हाय फ्रेंड्स, अनु डॉट अरूप ग्रुप चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आ चुके हैं एक न्यू रेसिपी, कांठल चिंगड़ी। तो कांठल चिंगड़ी कैसे बनाते हैं वो आप हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। अब हमारे सामने आ चुका है कांठल। कांठल को कैसे पहले काट लेंगे इसको अच्छे से, और काटने के बाद इसको ऐसे गोल करके काटना है। अगर आप फूल लेके आते हैं तो ऐसे काटिए, नहीं तो मार्केट से कटिंग हुआ मिलता है, नहीं है तो ऐसे काट लीजिए। आप हम आपको पूरा दिखा रहे हैं कैसे बनाते हैं। तो ऐसे इसको काट लेने के बाद इसको छील लीजिए साइड से। छीलते टाइम में ध्यान रखना है कटहल का जो स्किन है वो उसमें ग्रीनपन ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ग्रीन रहेगा तो थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आएगा। तो ऐसे छीलना है, ये छील गया। छीलने के बाद ऐसे छोटा छोटा पीस करके काटिंग कर लिया हमने। अब इसको पानी में भिगो के रखेंगे। आप तो हमारे पास बहुत सारा है, हमने 1 किलो साइज का एक कांठल लेके आया था। तो चलिए अब इसको अदरक और लहसुन को ग्राइंड कर लेंगे। बिग साइज का लहसुन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 पीस आपको देना है, और लहसुन छोटा होगा तो चलेगा। इसमें हम डाल दिए हैं भीगा हुआ ग्रीन रेड चिली, तो इसको ग्राइंड कर ले रहे हैं। अब देख लेंगे कितना ग्राइंड हो गया। ग्राइंड तो हो गया है, काफ़ी अच्छा ही ग्राइंड हो गया है। आप हमने बनाने के लिए लिए हैं कटहल, आलू, प्याज लिया है, और यहाँ पे लिया है टमाटर, लौंग, इलायची और दालचीनी, तेजपत्ता। ये तो पीस के रेडी हो गया है। आप कढ़ाई बिठा दिए हैं, कढ़ाई गर्म भी हो गया। इसमें हम तेल डाल दिए हैं, तेल इसीलिए मैंने व्हाइट तेल यूज किया। आलू को फ्राई करना है इसीलिए हमने व्हाइट तेल ही यूज किया। तो आप चाहे तो सरसों तेल भी यूज कर सकते हैं। आलू को थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, हल्का रेड हो जाएगा। रेड हो गया है, ऑलरेडी भून चुके हैं, इसको निकाल लेंगे। आप ये निकल गया है। इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि कटहल जो है वो चिपक जाता है, इसीलिए हमने गरम तेल में 1 चम्मच नमक डाला है। नमक डाल के आप डालेंगे कटहल, कटहल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसमें। तो कटहल डल गया है, कटहल को अच्छे से पलटा पलटाएंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच हल्दी ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से पलटा चलाएंगे। जब सही से भून जाएगा तो लाल कलर आ जाएगा इस पे। तो चलिए, हमारा तो 50% भून लिया हमने। इस टाइप का कलर आ जाए तो निकाल लेना आप। अब इसमें थोड़ा सा तेल दिया हमने। तेल में इसमें क्या करेंगे, भुना हुआ चिंगड़ी जो रखा था इसको और थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मच्छी में स्मेल ना आए। तो हमारा भून गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इसमें सरसों का तेल ऐड कर दिया। अब हम बनाएंगे कांठल, उसमें तेल ले लिए हम। अब मसाला कसना है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा शुगर ताकि कलर अच्छा आए। इसको उबालने तक वेट करेंगे। और उबल गया हमारा, अब इसमें हम देंगे दालचीनी, लौंग और इलायची को तोड़ के हम डाल देंगे इसमें। ये थोड़ा सा अच्छे से भून जाए, उसके बाद हमने डाल दिया तेजपत्ता। तेजपत्ता को थोड़ा सा पलटा चला के फ्राई कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद डालेंगे हम ऑनियन, प्याज। प्याज हमने लिया है 750 ग्राम। प्याज को अच्छे से पलटा चला के इसको थोड़ा गलाएंगे।
इसमें हम अभी एक काम करेंगे, 2 चम्मच इसमें हम नमक ऐड कर देंगे ताकि प्याज जल्दी से गल जाए। पलटा चलाते रहना है, पलटा बंद कर देंगे तो बैठ जाएगा और जल जाएगा। तो देखिए मेरा प्याज सही से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हम पीस रखे थे, लहसुन, अदरक, टमाटर और रेड चिल्ली, तो इसको हम डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जितना अच्छा फ्राई करेंगे उतना ही अच्छा आपका कटहल का टेस्ट उतना अच्छा ही बनेगा। तो हम इसको अच्छे से फ्राई कर लिए हैं और थोड़ा सा पलटा चलाएंगे इसमें। अब इसमें 2 बड़े साइज का टमाटर हमने चॉपिंग कर रखे थे, वो चॉप किया हुआ टमाटर इसमें डाल के हम अच्छे से इसको पलटा चलाएंगे। तो हो गया मेरा अच्छे से फ्राई हो गया। इसमें हम हल्दी, नमक और रेड चिल्ली का पाउडर वो मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पलटा घुमाएंगे। अब हो गया है, अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब पानी ऐड करने के बाद इसको उबालने तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब देखिए ये उबल रहा है। आप इसमें हम ऐड करेंगे कटहल, भुना हुआ कटहल और आलू। कटहल और आलू हम ऐड कर दिए। आप इसको पलटा चला के अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले के साथ ताकि कटहल के अंदर जम जम के मसाला घुस जाए, तभी जाके ना टेस्ट आएगा। तो देखिए ऐसे करके हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम एक काम करेंगे, एक ढक्कन दाब देंगे और 5 मिनट वेट कर लेंगे। अब वेट 5 मिनट ख़त्म हो गया है। अब ढक्कन हटा के हम देखेंगे कितना ये हुआ। तो देख रहे हैं हम कैसे पलटा चला के इसको कर रहे हैं। अब देख रहा हूँ कितना परसेंट उबल गया है। अब ये 30% उबल गया है। हम इसमें ऐड कर देंगे भुना हुआ चिंगड़ी मछली। तो देखिए भुना हुआ चिंगड़ी मछली तो हमने ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से पलटा चलाएंगे ताकि मछली का जो फ्लेवर है वो भी कटहल के अंदर आ जाए। अब इसको मिक्स करने के बाद हम एक ढक्कन दाब देंगे इसमें और 5 मिनट वेट करेंगे। तो वेटिंग टाइम ख़त्म हो चुका है। आप देख रहे हो साइड से कितना तेल निकल गया है। इसको और भी हम पलटा चला के मिक्स करते रहेंगे तेल को। अब देखते हैं ये कितना उबल चुका है। आप देखिए 80% उबल गया है कटहल। और थोड़ी देर फिर से ढक्कन दिए थे हम, अब निकाल दिए हैं। देख रहे हो कैसे बना है। तो हमारा ये कटहल 100% उबल चुका है, बन के उबल गया है, कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें, गरम मसाला का पाउडर, ताकि और भी टेस्ट अच्छा हो जाए इसमें। और थोड़ा सा हम पलटा चलाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे न्यू वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल में बेल